बॉलीवुड में दो डिकेड से भी ज्यादा वक्त बिताने के बाद अब वर्सेटाइल एक्टर बमन ईरानी फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाएंगे। जी हाँ, बमन ईरानी ने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर दिया है और इसका इनॉग्रेशन खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया। बॉलीवुड में दो डिकेड से भी ज्यादा टाइम तक काम करने के बाद एक्टर बमन ईरानी की एक नई इच्छा सामने आई है और वो इच्छा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने की। 59 साल के बमन ने हाल ही में अपना फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस ईरानी मूवी टोन लॉन्च किया, जिसे स्पेशली लॉन्च करने के लिए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन पहुंचे। बिग बी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और बमन भी अमिताभ के साथ कई बार बिग स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। ऐसे में इस इनॉग्रेशन के लिए बिग बी से बेहतर स्टार और कोई नहीं हो सकता था। सबसे पहले अमिताभ ने इस लॉन्च की शुभ शुरुआत की लैम्प लाइटिंग के साथ। वहीं सिनेमा की बात करें तो फिल्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का राइटर। इस मौके पर अमिताभ ने बताया कि राइटर किस तरह से फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट है। I've always believed that the writer is one of the most, not just one of the most, he is the most important person in a project. They conceive the story, they write the screenplay, they conceive the artists, how they will speak, what they will wear, where they will go, how they will perform, what dialogues they will say, all done by the writer. It's a great moment today, Bhavan, that you have decided to recognize this very important aspect in filmmaking, and my congratulations to you. बमन ने इस मौके पर अमिताभ की तारीफ करते हुए सबसे पहले अमिताभ का मतलब बताया। अमिताभ, apart from the many meanings that we like to give Mr. Bachchan, one of the official meanings of the word Amitabh means everlasting light. Thank you, Ram, for that. And everlasting light, we decided that we would embroider on the border of this beautiful shawl created by Ashdeen Lilawala and calligraphed by Achyut Pallav. We would embroider on the border everlasting light in 15 world and Indian languages. इसी मीनिंग को बमन ने 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिंट करवा के अमिताभ को शॉल के रूप में पहनाकर सम्मानित किया। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस फरवरी बॉलीवुड के शहंशाह इंडस्ट्री में हाफ सेंचुरी यानी 50 साल पूरा कर लेंगे और इस बात की खुशी अमिताभ ने इवेंट के दौरान जाहिर भी की। Very humbling moment for me and very emotional. Perhaps many of you don't know, but in a few weeks from now, 15th of February, I shall be completing 50 years in the film industry. And may I just say that this wonderful wrapping around my shoulder is the best gift that I could ever have received for my 50 years. Thank you so much, Bhavan. अब मौका खास था तो ऐसे में बॉलीवुड रिपोर्टर कहां पीछे रह सकता था। लॉन्च के दौरान मीडिया से बमन ईरानी ने खास बात की। इस दौरान बमन से पूछा गया कि अब वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं, ऐसे में वो किस खान के साथ काम करना चाहेंगे, तो सुनिए इस क्वेश्चन पर बमन का रिप्लाई। एक्टर्स हमारे सब भाई, जो पिक्चर में लगेगा कि ये शख्स इस रोल के लिए करेक्ट है उनको ही लेंगे। Whoever feels right for the role. It's not got to do with friends at the end of the day. We are friends, but then if we don't meet, we don't match on a creative level, we'll just be friends, which is fine. But we match on different levels. Similarly, I would love to work with all these wonderful names that you have. बमन ईरानी पहली बार इस जोन में उतर रही हैं। ऐसे में इस खास मौके के लिए अमिताभ से बमन ने कब और कैसे बात की, सुनिए खुद बमन की जुबानी। ये बहुत कुछ हुआ मेरे लिए, बचपन के लिए हो गया। मैं जब छोटा था मैं उनको देखा था, तब से मैं उनको एडमायर करते आ रहा हूँ। आज मेरा फैमिली का प्रोडक्शन हाउस का इनॉग्रेशन के लिए आए हैं, एक 10 मिनट के अंदर जवाब दिया। वो नागपुर में थे, आई थिंक शूटिंग कर रहे थे। मतलब आई सेंट आउट द मैसेज, अभी देखते क्या होता है। 10 मिनट में, ओह यस ऑफ कोर्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड ही सो हैप्पी एंड ही सो प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। वेल, एज एन एक्टर बमन बॉलीवुड में एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद अब प्रोडक्शन हाउस लेकर हाजिर हैं। मुंबई से ज्योति शर्मा की रिपोर्ट, E24।